जो हम डिस्कस कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि ये फ्लोट जो है वो सही बात समझ में आ भी रही थी हमें कि फ्लोट जो है वो परसेंटेज के हवाले से तो सही रहेगा, क्योंकि हमें जो है वो मेमोरी भी एक्स्ट्रा करनी होगी नहीं करानी। लेकिन जब हमने ये बात की कि जी आपके पास सन वगैरह है इस किस्म की कैलकुलेशन है, तो अब ये प्रिसीजन हम तो ज़रूरत से रिक्वायर्ड है कि 5 to 16 चल जाए, क्योंकि एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा प्रिसीजन के ऊपर जाती है, डिजिट्स के ऊपर जाती है, पॉइंट के बाद तो वो बढ़ती जाती है। तो ये जो है डिस्टेंस बिटवीन या स्पीड ऑफ लाइट वगैरह के लिए कोई साइंटिफिक हो ये कर सकते हैं हम। लेकिन अब हम यहाँ पे ये नहीं देख रहे हैं, इसलिए नहीं देख रहे हैं कि अब हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो एक्यूरेसी हमें ज़्यादा चाहिए, तो उस सूरत के अंदर जो है आप ये ट्रेड ऑफ कर सकते हैं कि आप इसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब आप ये नहीं देखेंगे, क्योंकि एक्चुअली फर्स्ट चीज़ है रिक्वायरमेंट है। थर्ड वाली रिक्वायरमेंट पे आते हैं, आपको ड्रोन से जो अटैक कराना है मिसाइल से, अब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है, क्योंकि अगर आपके पास ज़रा सी एक्यूरेसी में डिफरेंस आ जाए तो मिसाइल कहीं और जाके हिट कर जाएगा। तो आप देखेंगे जो हमारे पास खबरें आती हैं ड्रोन वगैरह के हवाले से, या जो आया करती थी तो उसके अंदर जो उनकी हिटिंग होती थी वो इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होती थी कि जो उनका टारगेट होता था उसी के ऊपर जो वो जाती थी। तो अगर हम उस ड्रोन के अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चलाएंगे जो कि मतलब कैलकुलेशन करे इस बेस के ऊपर, अपने टारगेट बेस के ऊपर, तो हमें जो है वो एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, यानी 28 से 29 तक आपके पास, ताकि वो बिल्कुल टारगेट को हिट करे। इसका मतलब है ये जो चीज़ है ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखें हम जा तो रहे 16 बाइट्स के लिए, लेकिन मजबूरी है, क्यों रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो पहले जो है वो हमें रिक्वायरमेंट जो है वो देखना होती है, उसके बाद जो हम देखते हैं कि मेमोरी की जो है वो कंजम्पशन वगैरह जो वो कितनी है। अगर ये बात क्लियर है तो 1 लिख के बता दें। मसूद की तरफ से और कमर की तरफ से तो आ गया हो ना, क्लियर नहीं है क्या आपको? चलो फिर हम ठीक है आ गया हो तो क्लियर का मतलब मैं पूछूँ ना, आप 1 लिख रहे हैं, इसका मतलब होगा कि यस सही। और अगर कहीं आपको साउंड में प्रॉब्लम आ जाए तो जैसे मैंने बताया था कि 5 आप राइट कर रहे हैं। अच्छा अब जो है वो हम ये चलते हैं, हमारे पास लास्ट पास पार्ट रह गया। अब आपने देखा कि कितना आसान होता जा रहा है। मसूद तो इसको थोड़ा टेक्निकल कहेंगे, लेकिन ये टेक्निकल इस लिहाज से मैं नहीं कहूँगा कि अगर आप सिंपल एक दो दफ़ा रिकॉर्डिंग इसकी देख लें, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप एकदम से चीज़ें ना जहन में नहीं बैठती। लेकिन वो ये कि अब आपका इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप जो है वो इसकी रिकॉर्डिंग देख के जो है वो आप एक दफ़ा या दो दफ़ा अपने आप को जो है, अब इसके लिए जारी बात थोड़ा सा टाइम चाहिए, आप जो है वो डाउनलोड करें उसको जो है देखें, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये चलते हैं हम, ये बड़ी आसान सी बात हो गई, क्योंकि हमें असल समझ में, असल में हमें समझना ये था कि ये जो है हमारे पास फ्लोट डबल ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे भी एक्चुअली ये हैं तो सारे होल नंबर, लेकिन ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं। यहाँ 8 लिखा हुआ वहाँ पे 1 बाइट है, यहाँ पे 16 लिखा हुआ वो 2 बाइट का है, यहाँ पे 32 लिखा हुआ वो जो है वो 4 बाइट का है, यहाँ 64 लिखा हुआ है वो है आपके पास 8 बाइट का। ये सब होल नंबर है और इनको जो डिवीजन किया गया उसी थ्योरी के ऊपर किया गया है कि जितनी रिक्वायरमेंट होगी प्रोग्रामर की उतनी वो आपके पास डेटा टाइप ले लेगा। किसी के 8 बाइट में काम हो रहा है, 8 बिट्स में काम हो रहा है, 1 बाइट में काम हो रहा है, तो वो जो है एस बाइट या बाइट ले लेगा। किसी का जो है वो 16 के अंदर हो रहा है, सही है, यानी कि 2 बाइट में हो रहा है, तो वो शॉर्ट और यू शॉर्ट ले लेगा। किसी का जो है वो 4 बाइट्स में हो रहा है, तो इंटीजर या यू इंटीजर ले लेगा। किसी का उससे भी बड़ा रेंज। अच्छा देखें, जैसे जैसे बाइट्स बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे उनकी रेंज भी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो बेसिक आपने जो है वो ये कॉन्सेप्ट रखना है, सही है। ये कुछ एक एक दो दफा आप इनको देखेंगे, इनकी जो है वो इनकी बाइट्स आपको आ जाएंगी जहन में, और आना भी आसान है, क्योंकि मसला नहीं है, क्योंकि फ्लोट जो है वो इंटीजर के इक्वल है और जो है वो डबल के इक्वल जो है वो लॉन्ग है, ये बात भी क्लियर है। बाकी जब हम शॉर्ट की बात करते हैं तो वो कैरेक्टर के इक्वल है, तो ये एक दो दफा आप देखेंगे तो ये चीज़ें आ जाएंगी। असल बात ये होती है हमें जहन में इस तरीके से ये बात बैठती है, इंटीजर हमें हमेशा हमें याद रहता है और वो हम बार बार यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो 4 बाइट्स का होता है। जब कभी ऐसी मजबूरी आ जाए कि इंटीजर की रेंज कम होती है और आपको बड़ा नंबर चाहिए हो, तो
हम डायरेक्ट लॉन्ग के ऊपर ही ट्रांसफर करते हैं, तो फिर जो है वो हमें उसको भी याद रखते हैं 8 bytes का। और बिल्कुल सेम जो है वो ऐसे ही कि फ्लोट भी 4 bytes का, जैसे इंटीजर 4 bytes का, तो अगर इसकी रेंज खत्म हो जाए तो आप डबल यूज कर रहे हैं 8 bytes। तो ये असल में एक्चुअली ये जो है ये बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है। बाकी बचता है स्ट्रिंग, वो ज्यादा यूज होता है। तो नॉर्मली ये जो दो है कि फ्लोट और इंटीजर, ये 4 bytes वाला ये होल में है, ये जो है डेसिमल में या रियल में, और ये जो है डबल या 8 bytes वाला, इसकी जगह लॉन्ग है। अच्छा, अब जो बात कर लेते हैं जरा और क्लियर करने की, ये बात तो समझ में आ गई कि जैसे जैसे रेंज बढ़ रही है वैसे वैसे इसकी, यानी जैसे जैसे आपकी बाइट्स बढ़ रही हैं वैसे वैसे रेंज जो वो एक्सीड होती चली जा रही है। अब एक बात आ रही है यू की, तो पहले यू का मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि तकरीबन हर एक में आप देखें यू आ रहेगा। तो यू का मतलब ये होता है कि अनसाइन, अनसाइन, और अनसाइन का मतलब होता है कि निगेटिव नंबर उसमें नहीं आएगा। तो जितने भी आपके यू आ रहे होंगे तो वो यू जीरो से स्टार्ट हो रहे होंगे और वो पॉजिटिव ही नंबर पर ख़त्म होंगे, सही है। और जहाँ पे यू नहीं आ रहा होगा, जैसे इंटीजर है, तो वो निगेटिव पॉजिटिव दोनों इंक्लूड करेगा, यानी निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। लॉन्ग में यू नहीं आ रहा तो निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, सही है। शॉर्ट में यू नहीं आ रहा तो वो निगेटिव भी है पॉजिटिव भी। इन दोनों के आगे उन्होंने यहाँ पे चाहते तो वो सी शार्प वाले इसको मतलब सिंपल बाइट कर देते, इसको यू बाइट कर देते, तो हमारा जो है वो नेमिंग जो है और याद रखना आसान हो जाता। लेकिन इन्होंने यहाँ पे चेंज कर दिया, इन्होंने जो है माइनस और प्लस वाले के आगे जो साइन एस लगा दिया, यानी साइन बाइट लगा दिया और इसको ब्लैंक कर दिया। तो ये जो कन्वेंशन है ये इन्होंने यहाँ पे चेंज सिर्फ इसमें किया, बाकी आपके पास नॉर्मल है। तो अब आपने जो है वो मतलब ये इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हैं आपके, जैसे शॉर्ट और यू शॉर्ट है, तो ये बात तो हमें फौरन समझ में आ जाएगी कि ये 2 bytes का, ये भी 2 bytes का। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या, कैसे समझ में आएगा कि इसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर नहीं होगा क्योंकि यू लगा हुआ है, और जीरो से लेके ये किसी पॉजिटिव नंबर तक एंड कर रहा होगा, और इसके अंदर कुछ नहीं लगा हुआ तो जाहिर बात है ये जो है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का। सेम जो है वो इंटीजर के अंदर है, क्योंकि यू नहीं लगा हुआ तो नेगेटिव और पॉजिटिव होगा, ये देख लें नेगेटिव और पॉजिटिव। और जहाँ यू आ गया इसका मतलब है नेगेटिव जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो अब ये होता है कि ये भी अब उन्होंने दिया क्यों, ये भी आपके पास जो रिक्वायरमेंट होती है कि तभी आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर चाहिए होते हैं। कहीं ऐसे नंबर होते हैं जो हाँ आपको जो है वो ज़रूरत नहीं होती नेगेटिव नंबर की। तो उन्होंने ये किया है कि अगर आप लेट सपोज पहले इंटीजर की बात करते हैं कि ये तकरीबन जो है ये रेंजेस की, ठीक है, अब ये रेंज है तो ये -214 से शुरू हो रहा है समथिंग, और ये +214 तक हो रहा है ना। लेकिन जब उन्होंने यू वाला डिफाइन कर दिया इंटीजर, यानी कि यू इंटीजर या अनसाइन इंटीजर डिफाइन कर दिया, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर से जब आपके पास ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो ये जो है इसकी कैपेसिटी, इसको अगर इस नंबर को आप मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, यानी 21 को मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो 42 आता है, तो इसकी कैपेसिटी जो है वो डबल हो गई है। ऐसे ही अगर आप लॉन्ग को देखें तो -92 से स्टार्ट हो रहा है, सही है, और समथिंग ये उसके बाद +92 तक है। लेकिन अगर हम इसको जो है वो जीरो से स्टार्ट करते हैं तो इस नंबर को मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें तो 92 को करें तो वो 184 आता है। तो अगर आप देखें इसके अंदर जो रेंज है पॉजिटिव के अंदर वो डबल होती चली जा रही है। तो यू वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपको नेगेटिव नहीं चाहिए होता, सही है, और जहाँ आप ये चाहते हैं कि आपकी रेंज जो है वो डबल हो जाए। और नॉर्मली हम इंटीजर वगैरह या लॉन्ग इसमें यूज़ करते हैं कि इसमें जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ रहे होते हैं, हमें अक्सर विशेष ऐसे नंबर की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे नेगेटिव भी हमें लेना होता है। अच्छा, अब हमारे पास बचता है एस बाइट। एस बाइट जाहिर बात है 8 bits का 1 byte का है, उसकी रेंज भी आप देख रहे हैं -128 से। ये एस का मतलब साइन, अब आप यहाँ समझ लेंगे साइन है, साइन हम किसको कह रहे हैं, नेगेटिव ही साइन को कह रहे हैं ना, क्योंकि यू अनसाइन का मतलब नेगेटिव साइन वहाँ नहीं है। तो एस जो एस बाइट है तो इसके अंदर ये -128 से 127 है। बाइट को अगर आप देखें तो ये एक्चुअली उन्होंने वो यू नहीं लगाया यहाँ पे, लेकिन बाइट के का ये मतलब ही ये है कि इसमें नेगेटिव नंबर नहीं है। तो ये 0 से लेके 255, यानी आप 127 को मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो आंसर जो है वो यही आएगा। तो यही लॉजिक जो सब में यूज हुआ है। तो बहरहाल इनको जो है जैसे मतलब ये कि अब हम रेंज वगैरह तो इतने लंबे नंबर्स वगैरह तो नहीं याद रख सकते, हाँ ये कॉन्सेप्ट ज़रूर रख सकते हैं अपने जहन के अंदर कि जी आपके पास जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाएगी, यानी आपके नंबर आते चले जाएंगे तो वो जो है बाइट्स आप उसकी बढ़ाते जाएंगे ऑन दी बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस चीज़ के लिए आप सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जा रहे हैं, सही। अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जो कि इस रेंज के अंदर नहीं आता, लेट्स सपोज ये 6 4
सेवन तक जा रहेगा। अब आपके पास 650 है लेट सपोज, तो जब आप इसमें इनपुट करने के लिए जाएंगे इंटीजर में तो वो एरर दे देगा, क्योंकि इसकी रेंज 647 तो ख़त्म हो गई है। तो उसमें भी आपको ये जहन में नहीं रखने की जरूरत है, वो खुद ही बता देगा कंपाइलर कि आप रेंज से आउट हो रहे हैं। तो उस सूरत में अब हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको निगेटिव नंबर नहीं चाहिए सही है, तो यू INT की तरफ आ सकते हैं। इसे देखें इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा रेंज हो गए। लेकिन अगर जो 295 से ज़्यादा चाहिए, लेट सपोज 297 चाहिए था हमें नंबर चाहिए था, तो फिर हमारी मजबूरी है कि हम जो फिर लॉन्ग में आ जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग जो है एक अच्छी रेंज कवर कर जाएगा। और अगर फर्स्ट है कि ये जो है 807 से भी बड़ा कोई नंबर है जहाँ आपके रिक्वायरमेंट है ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो फिर आपके पास जो है होल नंबर में लास्ट जो लार्जेस्ट नंबर है वो यू लॉन्ग है। ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ा नंबर जो है वो हम नहीं रख सकते, लेकिन ये भी आपके पास जो है बहुत ही बड़ा नंबर है। तो अब अगर आप सबको क्लियर है तो सही है, वन लिख के मतलब क्लियर है, मतलब यस आप बताएं कि क्लियर है। सर क्लियर तो है, एक सवाल था बोले बोलिए। ठीक है तो इतना बड़ा नंबर चाहिए तो मैं यू लॉन्ग पे चला जाऊंगा, अगर इससे छोटा था ये 184 चाहिए तो यू लॉन्ग नेगेटिव में नहीं जाता ना, वो जीरो से ऊपर ही जाता है 184 तक। जी तो यू लॉन्ग नेगेटिव में नहीं जाएगा, नेगेटिव में अगर मुझे -184.4647.44 तक नंबर चाहिए तो ये नेगेटिव में नहीं जाता ना। नहीं ये तो फिर मतलब ये हुई ना कि अब आप दो में से एक, वैसे तो ये नंबर भी बहुत बड़ा, लेकिन लेट सपोज आप कभी एक्सीड हो गए तो अब ये आपको जो है कंपाइलर की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है कि अब आप अगर इस नंबर में जाना है तो फिर आपको नेगेटिव को छोड़ना पड़ेगा। सही, जब आपके कंपाइलर की रिस्ट्रिक्शन आ जाती है तो फिर जाहिर बात है उन्होंने इंटरनल उसको ऐसा रखा हुआ है कि उसके कोड में तो हम चेंज नहीं कर सकते। अच्छा चले, अब आप लोगों ने सबने जो है वो थोड़ा समझ लिया। अब मेरे एक सवाल है, अब आप एज अ गुड प्रोग्रामर आपने बताना है कि आपने मेमोरी भी सेव करनी है। एक क्लास है, क्लास के अंदर जो है वो रोल नंबर हमें रखने हैं 1 से लेकर 50 तक, सही है, 1 से लेकर 50 या 1 से लेकर 40 तक रखने हैं, उससे ज़्यादा होती नहीं है। क्लास वन के अंदर ये क्लास टू जैसे स्टार्ट होती है तो उसमें भी रोल नंबर रिपीट होते हैं 1 से लेकर जो है वो लेट सपोज 50 तक है। क्लास थ्री है उसमें भी 1 से लेकर लेट सपोज 35 तक है। तो इसलिए टोटल जो स्कूल अलाउ कर रहा है हमें, वो प्राइमरी स्कूल है वो अलाउ कर रहा है कि हर क्लास में 1 से लेकर जो है वो मैक्सिमम 50 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, सही है, मिनिमम जो है वो कोई मसला नहीं है। तो अगर ये सिचुएशन है तो ये डेटा टाइप आपकी लिस्ट हुई है। अब मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि ये सारी डेटा टाइप्स आप जो है ना वो, क्योंकि हमने अभी बात की है, सारी डेटा टाइप्स में से देख के जो है अब आप जो है वो ये बताएं कि कौन सी जो है वो बेस्ट है कि जो मेमोरी भी सेव करे और आपका पर्पस भी पूरा कर दे। आपने बाइट का है, आप अगर लिख देना आपको तो वो आ जाएगा, क्योंकि ये वाइवा वगैरह तो हो नहीं रहा, ये तो ऐसी ऐसी डिस्कशन हो रही है। जैसे अभी आपने कहा मसूद ने कहा शायद बाइट का है, मसूद ने बाइट का है, हमारे ने भी बाइट का है। सुनम आप हैं हमारे साथ? ठीक है, आपने सुनने बाइट का तो बिल्कुल सही का। अच्छा एस बाइट क्यों नहीं लिया, मेरा क्वेश्चन ये है, आप में से कोई आंसर देना चाहे तो दे दे, माइक से दे दे। नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए। गुड, नेगेटिव वैल्यू की वजह, हां नेगेटिव वैल्यू की वजह से हमने जो वो नहीं दिया, तो ये हो गया। अच्छा अगर मुझे जो है स्टूडेंट की जो परसेंटेज पता करनी है तो आइडियल कौन सा रहेगा स्कूल की, है ना, परसेंटेज मैं बताना चाहता हूँ इंटर की या मैट्रिक की। फ्लोट ही रहेगा सर, परसेंटेज में भी आइडियल बाइट ही रहेगा, क्योंकि परसेंटेज 100 से ऊपर जो है वो जाती ही नहीं है स्टूडेंट के लेवल की अगर हम बात करें। सही है, कमल ने क्या आपने क्या जवाब दिया? सर मैंने फ्लोट इसलिए कहा था क्योंकि परसेंटेज के लिए तो बेहतर यही होता है ना, नॉर्मली जो परसेंटेज निकलती है पॉइंट्स में, जैसे आपने बताया था। मतलब आपका कोई जवाब है?
आई थिंक ये जो फ्लोट में है, जैसे कि पॉइंट्स के हिसाब से, जो जैसे कि किसी के पास पर्सेंटेज 90 पॉइंट समथिंग बन रही है, या किसी की 50 पॉइंट समथिंग बन रही है, तो क्या कैन बी यूज फ्लोट? अच्छा ठीक है आप मैंने और जो है ना खुर्रम ने सही कहा। एक्चुअली वो जो है ना मसूद वो अपने लिहाज से तो सही कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो 10% होती है, लेकिन जाहिर बात है परसेंटेज जो देनी होती है तो वो पॉइंट के बाद दो प्लेसेस तक तो हम बताते ही हैं किसी को ना, तो फ्लोट आइडियल ठीक रहेगा। ठीक है फ्लोट आइडिया ठीक ठीक है, तो ये जो है हमारे पास जो है वो डेटा टाइप्स वही है, सही है। और ये मैंने जो है इसकी बस ये है कि आपने जो है वो एक नंबर एक दफा हम ऐसे ये कर देना, क्योंकि ये आप लोगों के सामने जो वो सही है, एक दफा मैं रिव्यू फिर कर देता हूँ हल्का सा। हमने डेटा टाइप को डिवाइड करा है, हमने ये कहा कि जैसे रोज वाइज है बीच में रेक्टेंगल बना है तो इससे डिवाइड हो रही है। पहले हमने रखा बूलियन, बूल बूल जो है वो 1 बिट लेता है, ये लॉजिकल में आता है, ये बात खत्म हो गई। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा देखा था कैरेक्टर, वो देखा हमने 2 बाइट का आता है और वो 0 से लेके जो है 65535 तक लेता है, तो ये जो एक कैरेक्टर ले सकता है एक एक मतलब एट अ टाइम। तो फिर उसके बाद हमने देखा स्ट्रिंग जो कि ज्यादा कैरेक्टर लेता है, लेकिन हमें ये पता चला कि स्ट्रिंग भी एक्चुअली कैरेक्टर है, क्योंकि स्ट्रिंग की एक क्लास है लेकिन वो बना कैरेक्टर है। तो स्ट्रिंग की हमने डेफिनेशन पढ़ी, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, सही है। उसके बाद हमने कहा कि जी अब हम जो फ्लोट नंबर्स को देखते हैं या रियल नंबर्स को देखते हैं, तो रियल नंबर के अंदर जब हम देखने गए तो हमें ये पता चला कि इसके अंदर प्रिसीशन बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, और जैसे 7 प्रिसीशन तक ये जा रहेगा, डबल में जो 15 16 जा रहेगा, डेसिमल में 28 29 जा रहा है। तो फिर हम लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि अगर आपके पास ऐसा ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जैसे परसेंटेज वगैरह, तो फ्लोट से लगा, क्योंकि जो बाइट्स भी कम ले रहेगा और रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रहा है। लेकिन जब हम जो है वो बात करते हैं इस चीज की कि जी अर्थ डिस्टेंस सन से कितना है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, तो डबल हमें सही लगा, क्योंकि उसके अंदर प्रिसीजन 7 था, इसमें 15 था, तो हमारे ये रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा था। फिर हमने जो है वो ये देखा कि हम जो है वो अगर ड्रोन के लिए जो है वो डिफाइन करते हैं कि उसके मिसाइल हिट करना है और उसको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आपको चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए टारगेट हिट करने के लिए, फिर तो फिर आपने कहा कि जी डेसिमल ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर जो है प्रिसीजन जो है 28 29 तक जाता है। अब अगर आप बात करें होल नंबर की, तो होल नंबर हम जो है वो देखते हुए आए, उसमें हमने ये देखा कि जहाँ यू आ रहा है जिस भी डेटा टाइप में उसमें नेगेटिव नंबर नहीं आ रहेगा, और साथ में फिर हमने ये देखा कि आपके पास जहाँ पे यू नहीं आ रहा तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो दोनों आ रहे हैं। और ये भी हमने ऑब्जर्व करा कि जैसे जैसे डेटा टाइप इधर नाम लेते जा रहे हैं तो उनकी जो स्टोरेज जो कैपेसिटी ये बढ़ती चली जा रही है, और स्टोरेज कैपेसिटी के साथ साथ जो उनकी रेंज भी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, ओके जी सर, एक छोटा सा सवाल पूछना था। बोले स्ट्रिंग खुद अलग से एक डेटा टाइप तो नहीं है ना? वो तो कलेक्शन ऑफ एक्चुअली कैरेक्टर्स है। जी, इट इज अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर, ये जो मैंने लिखा है ना स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर। तो इन्होंने एक्चुअली क्या करा है, डेटा टाइप नहीं है ये, है ये एक क्लास है, एक क्लास का नाम है। ठीक है ये अब जो है वो ऑटोमेटिक ऑपरेटर जैसे फॉर एग्जांपल देखने के लिए जा रहेंगे, तो इसमें जो है वो हम इसका आंसर बताइए आप लोग, इसका ऐसे आप कैलकुलेट कर लें। आप लोग लिख देंगे ना तो मुझे आसानी हो जाएगी, अगर लिख देना तो उससे ये पता चल जाएगा किसने लिखा है या कौन आंसर देगा ना, मैं करेक्ट कर दूंगा। 21 लिखा है, मसूद ने लिखा है और कमर ने लिखा है, सही है ना, और खुर्रम ने भी 21 लिख दिया, सही है सही। अच्छा देखिए इसमें मैं आप लोगों का आंसर सही है वही बताना चाह रहा था मैं, बोर्ड मार्क्स में पहले ब्रैकेट होगा सॉल्व सही, जैसे फॉर एग्जाम्पल 9 हो गया, 9 जो है फिर उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई और प्लस बचेगा, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18 हो जाएगा, और 18 प्लस 3 जो है वो हमारे पास है। ये तो आपके पास सही है कि ये वाली चीज़ जो है वो हमारे पास आ गई है ना, लेकिन लेट्स सपोज कि हम जो है वो ऐसे दे देते हैं, ये जो लास्ट वाला है ना इसके अंदर कहीं पैरेंथेसिस नहीं है, अब जरा इसका आंसर आप लोग बताइए टाइप करके लिख के बताइए।
अमन ने ऐड दिया, मसूद ने ऐड दिया। हमारा आप भी ट्राई करें, वो ऐसे ही डिस्कशन के तौर के ऊपर मैं कह रहा हूँ, कोई वो नहीं कर रहा। और हमने भी ऐड दे दी, हमारे ने भी ऐड दे दी, ये अच्छी बात है। अच्छा जनाब, अब इसको जो है ना करते हैं। देखिए एक्चुअली बोर्ड मास के रूल के तहत चले, अब इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें कि पहले क्या हुआ, लेकिन बोर्ड मास ये कहता है कि पहले डिवीजन होता है, डिवाइड कर लिया तो ये हो गया टू, फिर कहता है मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया सिक्स, फिर दोनों को जो है वो प्लस कर लिया। तो ये अगर आप जो इसको डिवाइड करेंगे टू और इसको मल्टीप्लाई और फिर आप प्लस करेंगे तो जाहिर बात है 80 बनेगा वो। तो अभी हमने क्या कैसे सॉल्व करा, बोर्ड मास के बेसिस के ऊपर करा, बोर्ड मास के बेसिस के ऊपर। और अगर यही चीज़ अभी मैंने सेम इक्वेशन लिखी है, लेकिन मैंने लिखी है विद पैरेंथेसिस, अगर ये मैं लिख रहा हूँ विद पैरेंथेसिस क्या जो है वो पता नहीं है यार, आप क्या चीज जो वो आ रही है। अमन ने लिखा नाइन आ रहा है, नाइन आ रहा है, लिख देना मस्तूत आप लिखिए, लिखिए कंफर्म हो जाती है। ये तो 9 इसलिए आ रहा है कि अब ये ब्रैकेट आ गया, तो दोनों प्लस प्लस 6 हो गए ना, जब 6 हो गए तो अब आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 2 तो 3 आ गया, ये पहले फिर डिवाइड होगा 3 आ गया, फिर मल्टीप्लाई होगा तो 3 इज 9 तो 9 आ गया। तो ये जो है कैलकुलेशन है, अब इसके अंदर जो है वो एक ये चीज़ आ जाती है कि रिमाइंडर ऑपरेटर जो है वो क्या है। रिमाइंडर ऑपरेटर के लिए जो है वो मैं आपको इधर लेके चलूँगा, और मैं जो हूँ यहाँ पे थोड़ा सा प्लान करूँगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5 डिवाइडेड बाय 3 लेट सपोज, सही है ये मैं लिख दूंगा। और ये जो है वो मैं एक वेरिएबल को भी दे दूंगा, ए लेट सपोज मैं बोलता हूँ ए इज इक्वल टू आप जो है वो इसी तरीके से करेंगे कि यहाँ पे जो है वो एक डिवीजन के लिए ऐसा सिंबल बनाएंगे, ठीक है, बाहर जो है वो आप 3 रखेंगे, अंदर जो है वो 5 रखेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे 3 1 3 तो आपके पास जो है वो आंसर इधर 3 आ जाएगा। जब आप इसको जो है वो डिवाइड करेंगे और माइनस करेंगे तो ये आपके पास जो है क्या आ जाएगा, ये रिमाइंडर आ जाएगा। इसको मैं R लिख देता हूँ ताकि हमें याद रहे कि ये रिमाइंडर और ये क्वेश्चन है, क्योंकि इससे हमने मल्टीप्लाई करा है तो हमारे पास जो है वो आंसर आया, सही है। अच्छा ये जो है ना, अब तीन चीज़ें आ रही, दो चीज़ें आ रही हैं इसमें कि जी एप्पल के ये 5 डिवाइड बाई 3 अगर शुरू से लें तो 3 था तक के 5 को हमने डिवाइड करा तो 3 1 3, तो क्यों हमें याद रखना और R याद रखना, दो चीज़ें याद रखना। अच्छा अब जो है वो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कि b इज इक्वल टू 5, और अब जो है मैंने स्पेस दे दिया ताकि आपको ज़रा विजिबल हो जाए 3, क्योंकि मैं c के अंदर c शार्प के अंदर जो है वो टाइट कर रहा हूँ, सेमी कॉलन भी लगाऊंगा, तो ये चीज़ अभी हम करके भी देखेंगे। तो अब ये क्वेश्चन है कि a में क्या आना चाहिए, b में क्या आना चाहिए। तो हमें ये याद रखें कि ये जो हम ये करते हैं, यानी ये डिवीजन का सिंबल यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये होता है, सही है, इसका मतलब ये होता है कि आपको जो है वो क्यू जो है आपको क्यू आंसर में मिलेगा। तो इसका मतलब है ये जो आपने इस वाली लाइन पे करा है, तो ए के अंदर क्यू क्यू जो है क्वेश्चन यानी 5 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपको मिलेगा 1। अच्छा ये पॉइंट में इसलिए नहीं मिलेगा कि हम जो इस वक्त इंटीजर में वर्किंग कर रहे हैं ना, तो इंटीजर के अंदर पॉइंट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो वो जो इसके बाद पॉइंट आएगा वो इधर जो है वो नज़र नहीं आएगा, सही है, ये ट्रंकेट हो जाता है। अच्छा ये दूसरा है वो ये है, सही,
ठीक है, तो मैं आगे लिख दूंगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ आर और इसके आगे मैं लिख देता हूँ परसेंट। मतलब ये कि अगर आपको परसेंट चाहिए और आप लिखें बी इज इक्वल टू 5%, सही, तो मेडुलस ऑपरेटर और मोड ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर, ये तीन नाम है जो परसेंट है। ये परसेंटेज वो कैलकुलेशन नहीं करता जो कि मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलेटर पर परसेंटेज का सिंबल कर रहा होता है कि डिवाइड कर देता है किसी नंबर को 100 से। ये एक्चुअली क्या कर रहा होता है, यहाँ पे सी शार्प में नहीं, पूरी फैमिली के अंदर सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में, सब में जो है परसेंट का मतलब रिमाइंडर ही होता है। तो इसमें अब ये मैंने जो पहली लाइन में पूछा था, अगर मैंने डिवाइड दे दिया इसको, तो मैं कंपाइलर से ही कंप्यूटर से ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है वो क्या बचेगा, सही है। और अगर मैं इससे पूछने के लिए ये चाहूंगा कि रिमाइंडर क्या बचेगा, तो जाहिर बात है इसका आंसर जो है वो आपके पास जो है वो 2 होगा, सही है। तो ये जो अगर मैं अब ए को प्रिंट कराऊंगा तो ए क्या प्रिंट करेगा, ए जो है वो प्रिंट करेगा 1, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन के अंदर जो है वो क्या है 1 आया है, और जो है वो आर या परसेंट क्या प्रिंट करेगा, वो करेगा 2, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास जो है वो 2 बचा है। तो अगर मैं बी प्रिंट कराऊंगा तो बी के अंदर 2 ये दे रहा होगा, ए प्रिंट कराऊंगा तो ए के अंदर जो है वो ये 1 दे रहा होगा, ठीक है। तो रिपीट कर रहा हूँ मैं कि डिवाइड, अगर आपका डिवाइड का सिंबल करते हैं इसका मतलब क्वेश्चन चाहते हैं, तो क्वेश्चन के अंदर 3 यानी मल्टीप्लाई जिस नंबर से करने के बाद जो आप नीचे नंबर लिख रहे हैं वो लिख देते हैं, और रिमाइंडर जो आर है वो परसेंट के सिंबल से आता है। तो अगर ये आपको क्लियर है तो आप 1 लिख सकते हैं, बोले तो एक दफ़ा मैं जो अभी हम बना के देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी तक जिसको क्लियर है वो 1 लिख के मुझे बता सकता है। सर ये जो क्यू बताया था, क्यू क्यू क्या कहा था आपने, क्यू कहा का फुल फॉर्म क्या था, क्वेश्चन कहते हैं इसको मेरे ख्याल में मैथमेटिक्स के अंदर ना, जो आपके पास जी क्वेश्चन कहते हैं। हाँ वैसे तो सर ये चीज समझ में आ गई, मैं 1 लिख देता हूँ वैसे। अच्छा चले, अगर चलो ठीक है, अच्छा सबकी तरफ से आ गया। हाँ मसूद रिपीट करूँ, देखें मैंने जी रिपीट अगर आपको ये चाहिए कि इसका क्वेश्चन चाहिए तो हम डिवाइड का सिंबल यूज करेंगे 5/3, तो आंसर के अंदर जो ए के अंदर ये स्टोर करेगा वो करेगा 1, और हम प्रिंट ए को कराएंगे तो 1 प्रिंट कर देगा। और कभी आपको इन्हीं दो नंबर का रिमाइंडर चाहिए हम यूज करेंगे परसेंट, तो परसेंट क्या करेगा वो स्टोर करेगा बी के अंदर, यानी कि रिमाइंडर बी में करेगा, तो रिमाइंडर जो है 2 आया तो हमारे पास आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। अब जो इसको प्रोग्राम बना के भी देख लेते हैं साथ साथ में ना, कि ये हमने जो है वो क्लियर हो गया, नहीं क्लियर तो हो गया लेकिन प्रोग्राम बनाने में क्या है। ये देखें ये मैं दोनों काम जो वही कर रहा हूँ, क्योंकि अम्माद भी है ना और फुर्रम भी है, उनको भी मजीद क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने कर दिया बी, और यहाँ पे जो है वो मैंने ले लिया परसेंट, यानी मैंने अभी जो बात कही है वो मैं वही करने के लिए जा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए इज इक्वल टू क्यू यानी क्वेश्चन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए, ठीक है। और ये जो है मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी, यानी कि मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि रिमाइंडर कितना है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी, सही है। और इसको जो है कमेंट्स जो है लगाने का ये तरीका होता है कि 2 फॉरवर्ड सेलेक्ट आप लगा देते हैं, सही है। तो इसमें जो है हम प्रोग्राम का बता देंगे नॉर्मली कि ये प्रोग्राम क्या करेगा, सही है। तो ये जो कंपाइलेशन में नहीं आता, जैसे ये मैं लगाऊँ ना यूजिंग of difference between dividend, difference between this symbol and this symbol, यानी ये प्रोग्राम का पर्पज भी मैंने जो है वो साफ साफ लिख दिया है। अजय console.readline हालांकि कमांड है लेकिन डबल फॉरवर्ड से लगा दिया तो अब ये भी कमेंट बन गया है।
तो कमेंट जो है इसलिए बनाते हैं, अब इससे जो है हमें ये पता चल जाएगा कि हमने ये प्रोग्राम जो है किस पर्पस के लिए जो है वो बनाना है। सही है, देखें ए क्यू इज इक्वल टू वन आ गया और बी इज इक्वल टू आर कितना आ गया, टू आ गया, यानी इसने हमें वही करके दिया है जो हमने जो है वो उधर अभी स्टडी किया था। अच्छा इधर जो है वो लाइन लगा देते हैं ताकि एक स्पेस आ जाए हमारे पास, ठीक है। और अब जो है हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर लें, ठीक है। आउटपुट देख रहे हैं आप लोग, वही आंसर दे रहा है ना जो अभी हमने किया है। ये क्वेश्चन बच रहा है वन, वो शो कर रहा है और ये रिमाइंडर शो कर रहा है ना। अब मेरा क्वेश्चन ये था आप लोगों से कि अगर मैं इधर लिख दूं, लेट सपोज 7 डिवाइडेड बाय 3, इधर लिख दूं 3 डिवाइडेड बाय, ये बड़ा नंबर ले लेते हैं 11 डिवाइडेड बाय 7, सही है। अच्छा ये मैं जो हूँ अगर ए में स्टोर करा दूं ये वाला, सही है, इलेवन सही है, और परसेंट और 7 सही है। ये मैंने जो है वो ये मेरा सपोज करें ए आ रहा है और ये जो मैंने बी में स्टोर कराई ये वाला बना, यानी बी इज इक्वल टू ये। अब मुझे आप लोगों से ये पूछना है ए का क्या आंसर आएगा और बी का क्या आंसर आएगा, यानी बी में, बी वाले में हम रिमाइंडर पता कर रहे हैं ना, रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, और ए वाले में हम ये पता कर रहे हैं क्वेश्चन तो क्या बचना चाहिए। में आएगा टू। हाँ ये जैसे अमन ने लिखा है ना, ऐसे आप अपने आंसर लिख दें, ए में आपको क्या समझ आ रहा है और बी में क्या समझ आ रहा है। सर मैंने लिखा है ना ये, इसमें जो मैंने बी इज इक्वल टू वन पहले लिखा तो गलत लिखा था, बी इज इक्वल टू 4 आएगा। हमारा दर खत्म, थोड़ा सा ट्राई करें आप लोग, अगर लैंग्वेज मुश्किल भी है लेकिन हल्का सा ट्राई करें, तो बिल्कुल बेसिक सी मैं बता रहा हूँ और आपको समझा के बता रहा हूँ। थोड़ा सा कोशिश करें पहले ए का आंसर लिख दें आप, ए आपको क्या समझ में आ रहा है, और अगर आप चाहें ना तो यहाँ से आप लोग मसूद और खुर्रम को, नहीं मसूद को नहीं, खुर्रम को कह रहा हूँ मैं और हमात को कह रहा हूँ, देखिए यहाँ से आप देख लें ऐसे डिवीजन, यानी ये इस वाला ये 7 अंदर जाएगा 3 बाहर जाएगा इस वाले में, ठीक है ना, और इस वाले में जो है वो 11 अंदर जाएगा और 7 बाहर जाएगा। इससे अगर आप निकालेंगे तो आपको जो है वो आंसर निकल जाएगा, अगर जाए तो आप एक जल्दी से एक पेंसिल लेके जो है वो भी कर सकते हैं, आपको जो पता चल जाएगा कि रिमाइंडर ऐसे करके जो है ना सॉल्व करें इसको, ठीक है। ये दोनों को, ए को पहले ऐसे सॉल्व करें जैसे इन नंबरों को, ये ए को सॉल्व करें ऐसे और फिर जो आप बी को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके सर, जी सर, जी जी बोले। हाँ हमारा अभी जरा से ट्राई करें, क्या आप एक ही का आंसर दे दें, बिल्कुल ये करना है आपने ना, आपने लिखा है ए इज इक्वल टू 2 आ रहा है, ये 7 डिवाइडेड बाय, सही है हम करेंगे, बिल्कुल सही लिखा है हमारे 7 डिवाइडेड बाय 3 ए इज इक्वल टू 2 आ रहा है, गुड, और हमने बिल्कुल सही लिखा है। चले अब ये बाकी रिमाइंडर वाला इधर ही हम सॉल्व कर लेते हैं ना, तो अभी हमने लिखा है इसके अंदर ए में लिखा है 7 डिवाइडेड बाय 3 और इसमें जो है वो 11 डिवाइडेड बाय 7, सही है। अब आप लोगों के आंसर भी आ गया तो इसको हम चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। 11 डिवाइडेड बाय 7 ये हम लोगों ने लिखा है
और अब आंसर चेक कर लेते हैं। ये आंसर जो है आप लोगों के लिखे हैं, आप लोग भी मैच कर लीजिएगा इसको। सही ए आपने बिल्कुल सबने सही जवाब दिया ए का, और फोर का जो है वो फोर का भी सही जवाब दिया है। तो फोर में बेसिकली हमने रिमाइंडर जो है वो देखा चेक करा, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो मेरे ख्याल में अब क्लियर हो गया है सबको। सही जिनको क्लियर हो गया वो वन लिख दें, यानी ये वाली बात क्लियर हो गई है जो भी हमने एक्सरसाइज की है। हमारा मसूद ने खुर्रम ने वन लिख दिया। हमारा आप है हमारे साथ, ठीक है। ये जो लास्ट टाइम हम लोगों ने मार्कशीट का किया था वो किसी के पास अभी है मसूद, ये किसी के पास है तो जरा मुझे शेयर करें इधर, आप शेयर कर दें होस्ट पे, शेयर कर दें मैं ये मुझे दे दें सर। क्या चीज? मुझे मार्कशीट वाला प्रोग्राम एक हमने बनाया था ना स्टार्ट में। नहीं सर, हमने कोई नहीं बनाया अभी तक। नहीं सर, मैंने नहीं बनाया था। अच्छा, चले सही। अच्छा चले ठीक है, अब जो है वो हम ये ब्रेक कट वो मतलब खत्म हो रहा है इसका जूम का टाइम ना, थोड़े से ब्रेक के बाद हम लोग आते हैं। 10 मिनट के ब्रेक, 15 मिनट का इंशाल्लाह, 10 विद इन 10 टू 15 मिनट्स का है तो 10 ही मिनट्स होता है नॉर्मली, लेकिन थोड़ा सा 12 मिनट भी हो सकता है। सही है, ठीक है।